कैबिनेट में मेरे साथी, आपके लोक लाडले विधायक भाई सुरेश रावत जी, कैबिनेट में मेरे साथी और नागौर के प्रभारी है ना, नागौर के प्रभारी भाई कन्हैया लाल जी चौधरी साहब, लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई प्रसन्न चंद जी मेहता साहब, अजमेर संभाग के प्रभारी भाई जितेंद्र गोठवाल जी, अजमेर के सांसद सम्मानीय भागीरथ चौधरी साहब, नागौर की हमारी सांसद प्रत्याशी ज्योति मिर्धा जी, प्रदेश के महामंत्री भाई श्रवण बगड़ी साहब, उपाध्यक्ष भाई नारसिंह जी जोधा साहब, प्रदेश के मंत्री भाई मिथिलेश गौतम जी, एसपी चौहान जी, हमारे कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में श्री मती मंजू बागमार जी, विजय सिंह जी चौधरी साहब राज्य मंत्री, और अभी देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष बने हमारे पार्टी के महामंत्री भी हैं और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश बड़ाना जी, संयोजक लोकसभा अजमेर भाई बीरन सिंह जी कानावत साहब, संयोजक लोकसभा राजसमंद हरि सिंह जी रावत साहब, संयोजक लोकसभा नागौर श्री रमाकांत जी, जिला अध्यक्ष देवी शंकर जी भूतड़ा जी, रमेश सोनी जी, गजेंद्र सिंह जी, मान सिंह जी बारक साहब, राम निवास जी सांगला साहब, और जयपुर दक्षिण के राजेश गुर्जर जी। इसमें जो हमारे साथी विधायक हैं भाई सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, विश्वराज सिंह जी मेवाड़ साहब, शंकर सिंह जी रावत साहब, अजय किलक जी, दीप्ति माहेश्वरी जी, बीरेन जी शत्रुघ्न जी गौतम साहब, और हमारे जयपुर के जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, अजमेर के श्री भंवर सिंह जी बलाड़ा जी, महापौर ब्रजलता हाड़ा जी, जिलाध्यक्ष हमारे आ ही गए मान सिंह जी, और ये तो, और इस कार्यक्रम में आए हमारे बूथ मंडल शक्ति केंद्र और जिले के सभी पदाधिकारी, मोर्चों के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, और इस बैठक में आए सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं, क्योंकि ये पुष्कर राज की नगरी है, भगवान पुष्कर राज की मैं सबसे पहले भगवान पुष्कर जी को और यहाँ विराजे ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, खरनाल नागौर में विराजे तेजा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये वीरभूमि राजसमंद की पवित्र माटी को भी मैं नमन करता हूँ, जहाँ हल्दी घाटी का महारण हुआ था। ये हमारा क्लस्टर अजमेर नागौर और राजसमंद लोकसभा का है। कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाकर आपने ऐतिहासिक सरकार बनाने का काम किया। मैं एक एक कर्ता का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं कहता हूं
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साल के 365 दिन काम करता है, महीने के 30 दिन काम करता है और दिन के 24 घंटे काम करता है। मुझे पता है कि आज भी आपके कहीं ना कहीं कार्यक्रम थे, कहीं ना कहीं आपको किसी को अपने व्यापार के काम से जाना था, किसी को अपने दूसरे काम से कहीं ना कहीं जाना था, किसी को माताजी के साथ जाना था, किसी को पिताजी के साथ जाना था, किसी को अपनी पत्नी के साथ जाना था, तो कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम में आप सबों की जाना था। लेकिन जैसे ही जयपुर से फोन आया कि क्लस्टर की बैठक है, आपने सारे कार्यक्रम छोड़ दिए और क्लस्टर की बैठक में उपस्थित हुए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता अलग है। क्योंकि हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का काम यानी राष्ट्र का काम, क्योंकि हम राष्ट्र को पहले मानते हैं, हम राष्ट्र की चिंता पहले करते हैं। ये हमारे संस्कार में, हमारे व्यवहार के अंदर है। आपने देखा होगा जैसे ही हमारी बैठक प्रारंभ हुई, सबसे पहले मां भारती के चित्र के सामने हमने दीप प्रज्वलन किया, उसको पुष्पांजलि की। हम भारत माता को मानने वाले, इस राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। हम पहले राष्ट्र को मानते हैं, उसके बाद पार्टी को मानते हैं, व्यक्ति को हम तीसरे नंबर पर मानते हैं। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी आज छोटे से जो 8-10 लोगों ने निर्माण किया, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि इस बार 25 के 25। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमेशा से 2014 में, 2019 में राजस्थान में आपने 25 की 25 सीट दी है। अब की बार मुझे विश्वास, सीट तो 25 की 25 देंगे। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अब की बार की जो जीत होगी वो जीत ऐतिहासिक होगी, वो जीत ऐतिहासिक होगी। हमारा एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर कि हम जीते नहीं। कोई भी लोकसभा हमारी ऐसी नहीं हो जो कम से कम 5 लाख वोटों से ज्यादा से हम जीते, ये हम दिखाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद केंद्र में आपने जिस तरह से देखा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलाव आपने देखा है, कभी कभी मैं कहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को बताना होगा। क्योंकि जो 2004 में और 8 से और 14 तक जो 8 साल का था, 10 साल का था, 12 साल का था, आज वो 25 साल का, 24 साल का, 30 साल का नौजवान हो गया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, कि उनको बताइए कि देश की स्थिति 2014 से पहले कैसी थी। 2014 से पहले अगर अखबार आता था, घोटालों का अखबार आता था, इतने करोड़ रुपए का घोटाला, घोटाले, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तुष्टिकरण, और जिस तरह के आतंकवादी आते थे, कहीं बस स्टैंड पर बम फोड़ के चले जाते थे, तो कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, कहीं भीड़ भाड़े इलाके में बाजार के अंदर आते थे और बम फोड़ करके चले जाते थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारी महिलाओं की, महीनों की योजनाएं, हमारे देश का विकास आपको दिख रहा होगा, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रोड हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज से लेकर के जो भी स्थिति बनी है, बड़ा ताजुब की बात आती है। देश की आजादी के 75 साल बाद भी हम चिंता करते हैं हमारे गांव की, कि गांव के अंदर
पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, चिकित्सा के लिए अस्पताल नहीं है। अरे ये तो मूलभूत सुविधाएं थी देश की आजादी के 75 साल बाद जिस पार्टी ने इस देश के अंदर राज किया, सबसे ज्यादा केंद्र में और प्रदेश में उसका राज रहा। क्या किया आपने? आज मैं कह रहा था, झुंझुनू के अंदर था, वहां बता रहे थे, वहां के नेता हैं, ऐसे नेता जैसे चुनाव आते थे उससे दो महीने पहले वो लाते थे जेईएन को, एईएन को, और यमुना जल का भाटा लगवा देते थे और लोगों से कहते थे कि मैं नहर लेकर के आऊंगा। ये 40 साल 50 साल 60 साल उन्होंने निकाल दिए। उन्होंने हमेशा कांग्रेस ने झूठ की राजनीति की, भ्रष्टाचार की राजनीति की, तुष्टिकरण की राजनीति की। कभी भी किसान का या हमारे मजदूर और गरीब का भला इस कांग्रेस ने कभी नहीं किया। मैंने कहा है कि आप अपने घोषणा पत्र निकाल लीजिए। जब आपने अपना घोषणा पत्र लागू किया है, आपने विधानसभा में जो घोषणाएं की है वो भी निकाल लीजिए और गहलोत साहब एक बार पढ़ लीजिए आपने कितनी घोषणाएं की हैं और लागू कितनी घोषणाओं को आपने किया है, ये मैं उनसे कहना चाहता हूं। और हमारी सरकार को आए हुए 3 महीने 5 दिन आज हुए हैं, यानी कि 95 दिन हुए हैं। हमने हमारा जो संकल्प पत्र था जो जनता के बीच में हम लेकर के गए थे, 3 महीने में हमने उसको 45% पूरा किया है। 45% हमने पूरा किया। और हम वो लोग नहीं है, आपने घोषणा की थी, घोषणा करने के बाद आप 5 साल ने क्या किया ये तो बताएं। 5 साल में आपने का क्या किया? जब चुनाव आने वाले थे उससे 3 महीने पहले आप गारंटी दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं जनता पूरा समझती है, और आपने गारंटी देने का काम किया कि मैं गारंटी देता हूं। अरे साहब, जब आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसकी गारंटी दे सकते हो, बताइए, दे सकते हैं क्या? अगर आपके पास खेत की पासबुक नहीं है, खेत की जमीन की पासबुक नहीं है, गाड़ी की आपके कागज नहीं है, तो आपकी जमानत को कोई मानने वाला है क्या? अगर आप जाओगे किसी की जमानत देने बिना कागज के मान देंगे, बिना पासबुक के कोई देता है क्या? बिना गाड़ी के कागज की कोई जमानत मानता है क्या? अरे आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? मैं वो ही कहना चाहता हूं, बिना पासबुक के बिना लाइसेंस के गारंटी देने का काम ये कर रहे हैं। ये गारंटी नहीं चलेगी। राजस्थान की जनता ने आपकी जो दी हुई जो बहुत गारंटी थी उन सबको फेल कर दिया। अरे यहां इस देश में गारंटी चलेगी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चलेगी। और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कितनी भी बड़ी योजना हो उसका शिलान्यास भी आप करते हैं और उसका उद्घाटन ही आप करते हैं। अगर ऐसा कोई है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को हमने फैसले लिए, हमने कहा जो युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, युवाओं को दिन आंसू रोने को मजबूर किया है, किसान को खून के आंसू रोने को मजबूर किया है, क्योंकि वो किसानों के बच्चे थे। किसान किस तरह से गांव में जाकर बाजार में जाकर के पैसा लाता है और अपने बच्चों की परवरिश करता है, और बच्चे ने भी उनको पिताजी को विश्वास दिलाया कि मैं अब की बार पढ़ूंगा और मैं परीक्षा में पास होकर के दिखाऊंगा। लेकिन 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करके आपने पिता और पुत्र के बीच भी खाई पैदा कर दी और उस युवा को खून के आंसू रोने के लिए आपने मजबूर कर दिया। हमने कहा था
कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एसआईटी का गठन करेंगे। आए दिन जिस तरह से अशांति फैलाने वाले लोग आते थे, कहीं गोली चला के चले जाते थे, कहीं बिल्डिंग में कोई गोली चला के चला देते, कोई गोला फेंक करके चला जाते थे। हमने कहा कि एंटी गैंगस्टर फोर्स का भी निर्माण करेंगे। हमने दोनों का 16 दिसंबर को घोषणा करने का काम किया। और मित्रों, आप देख रहे हैं एसओजी और एसआईटी का काम। अरे मैं कहना चाहता हूं, पहले भी यही एसओजी थी, क्या हो गया था गहलोत साहब जरा बताइए। अब एक दिन नहीं, 63 लोग गिरफ्तार करने का काम हमारी एसआईटी ने किया है, ये हम आपसे कहना चाहता हूं। हमने कहा है, जो हमने कहा है वो कर करके हम दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके रहती है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो सिलेंडर हम 450 रुपए में देंगे। हमने हमारे प्रदेश की 73 लाख महिलाओं को 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। यही नहीं मित्रों, हमने किसानों से कहा कि हम आपकी एमएसपी बढ़ाएंगे। हमने उनकी 2275 रुपए गेहूं की एमएसपी थी, हमने 125 रुपए बढ़ा करके हमने 2400 रुपए करने का काम हमारी पहली कैबिनेट में किया है। हमने कहा कि हम किसानों को, केंद्रीय सरकार हमारी नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, हम भी किसान सम्मान निधि देने का काम करेंगे। 6000 से बढ़ा करके हम 12000 करेंगे। पहली किस्त हमने 2000 की सबसे पहले कैबिनेट में देने का काम किया है। 6000 से 8000 करने का किसान सम्मान निधि का हमने काम किया है। यही नहीं मतलब, हमने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन कभी इन्होंने नहीं बढ़ाई। हमने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का भी काम करेंगे। 1000 रुपए से प्रथम किस्त में हमने 1150 रुपए बढ़ाने का हमने काम किया है, जिसका भार हमें 19000 करोड़ हमारे ऊपर, उसका भार हमारे ऊपर आया है। मैं मित्रों कहना चाहता, हमने बहुत सारी योजनाएं लगातार, हमने आपने देखा होगा कि हमारे पंचायत राज के जनप्रतिनिधि उनका मानदेय नहीं बढ़ा, कई सालों से उनका मानदेय बढ़ाने का काम नहीं किया। हमने कहा हम उस जनप्रतिनिधि का, चाहे वो पंचायत का हो या निकाय का जनप्रतिनिधि हो, उसका मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। हमने पहले ही कैबिनेट में 10% मानदेय उनका भी बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं, हमारी वो बहने आशा सहयोगिनी के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं, हमने कहा उनका भी मानदेय हम बढ़ाएंगे, उनका भी हमने 10% मानदेय बढ़ाने का काम उन बेचारी महिलाओं को और हमारी आशा सहयोगिनी का भी किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सारी योजनाएं आपने देखा होगा, हमने किसान सम्मान निधि तो बढ़ाया, लेकिन 60000 नए किसानों को जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हम पहले कहते थे, केंद्र से हमारे पास पत्र आता था कि किसान सम्मान निधि में अगर किसी के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है तो उनके बेटे, एक या दो तीन जो बेटे होते हैं उनका नाम उसमें जुड़ता है। केंद्र सरकार से फॉर्म का पत्र आता था कि यहां से राजस्थान से जुड़ करके नहीं आ रहे हैं। हम कई बार मिले, हमने कहा साहब इनका, किसानों के बेटों का इनका नाम बढ़ा करके मां सूची में कराइए और उसको आगे बढ़ाइए। आपका क्या जा रहा है, आप तो कुछ दे नहीं रहे, केंद्र की सरकार हमारी दे रही है। इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया, हमने उन 60000 भाइयों का नाम बढ़ाने का भी हमने काम किया है। मित्रों अभी बहुत सारी योजनाएं, मैं अभी देख रहा था हमारी योजना काफी योजना है, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारी ईआरसीपी की योजना जो 13 जिलों की योजना है, 2013 में माननीय हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया और प्रस्ताव में लेकर के आई थी। 5 साल तक ये उसको लटकाते रहे, भटकाते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया, राजनीति करते रहे। हर घोषणा पत्र में लिख देते थे ईआरसीपी। मैं देख रहा हूं, अभी मैंने देखे थे, मैंने निकलवाए थे कौन कौन से बजट में इन्होंने, एक भी बजट ऐसा नहीं जिसमें ईआरसीपी का नाम इन्होंने नहीं दिया हो। लेकिन किया क्यों नहीं आपने,
भाई हमारी सरकार, आप कहते हैं हमारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, आपकी तो भी कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी आपकी कांग्रेस सरकार ही, आपने क्या किया, हमारा कोयला बंद करा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इन्होंने पत्र लिखा और कमलनाथ जी ने उल्टा इनको पत्र लिख दिया और इनके चक्कर में वो कोर्ट में और चले गए कि इसी योजना को जाना नहीं चाहिए, राजस्थान के लिए ईआरसीपी की योजना लागू नहीं होनी चाहिए, कोर्ट में चले गए, इनसे पत्र डाल दिया। लेकिन गहलोत साहब फिर भी कह रहे हम लाएंगे। अरे भाई तुम लाने वाले थे तो पहले कमलनाथ को मनाते, उनसे कहते कि भाई आप क्यों जा रहे हो, आप हमें सहमति क्यों नहीं दे रहे हो। इन्होंने पत्र भी लिखे, उन्होंने कह दिया हम नहीं आएंगे। मित्रों मैं कहना चाहता हूं इसी तरह छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कोयला भी वहां से सही समय पर नहीं आया, क्योंकि वहां भी इन्होंने खान का काम ठीक प्रकार से नहीं किया। किया तो क्या किया, जहां साइड थी उससे 25-35 किलोमीटर दूर ले गए, और उस कोयले में भी इन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया। वो कैसे कर दिया, क्या ट्रांसपोर्ट का काम उन्होंने मिलकर के ले लिया। अरे हमारी साइड यहाँ नजदीक में है तो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर आगे क्यों ले रहे भाई। अब आप जानते हो ट्रांसपोर्ट करता हो यही है कि 35 किलोमीटर आगे ले लो, उसमें भी कोयला कैसा आ रहा है, भाटा आ रहा है, मिट्टी आ रही है, क्या मिट्टी से बिजली बनेगी, क्या क्या उस भाटे से बिजली बनेगी क्या। हमने कहा प्राइवेट जो हमारे बिजली घर है वो तो बना रहे 75%, आपका बना रहा है 50%, 50 से नीचे रह रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस तरह के घोटाले इन्होंने किए। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, हमने जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी से बात की तो उन्होंने शहर स्वाप आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई जी बिल्कुल हम आपको पानी देंगे, आपका समझौता करेंगे, राजस्थान के 13 जिले भी पानी पिएंगे, मध्य प्रदेश के 13 जिले भी पानी पिएंगे। हमने कहा आइए दिल्ली चलते हैं, इसका समझौता होना है कि मैं दिल्ली नहीं पहले जयपुर आऊंगा, आपको साथ लेकर जाऊंगा, दिल्ली में जाकर के समझौता करूंगा। पहले वो जयपुर आए, मेरे को साथ लेकर के गए, जब दिल्ली में जाकर के समझौता हमने किया, कांग्रेस वाले बोले अभी तो ऐसे हो गया, विधानसभा में उन्होंने कहा साहब इसमें तो कमी रख दी आपने। हमने कहा भाई क्या कमी रख दी बताइए, क्या कमी रख दी कि साहब पहले पानी इतना दे रहे थे तो मैंने आपने कितना मांगा था, आपका कोई प्रस्ताव नहीं, यहाँ भी कोई योजना नहीं, आपको जीरो से लेके कोई मतलब ही नहीं है। हमारी सरकार थी, हमने प्रस्ताव किया था कि इतना पानी हमें मिलना है, ये तो समझौता है, कम भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो माननीय हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने लिख करके दिया था उससे भी ज्यादा पानी हमको वहां से मिला है, यह मैं कहना चाहता हूँ। इसी तरह का समझौता हमारे 3 जिलों का था, सीकर चूरू और झुंझुनू का, यमुना का, बहुत लंबे समय से यमुना की मांग चल रही थी। जैसे मेरे को बताया कि यमुना का पानी भी हमारे आवश्यकता है, उसमें भी हमारा समझौता है, तो मैंने कहा कि भाई कागज पेपर निकालिए, अधिकारियों से कहा तो मैंने देखा उसमें तो कोई पेपर ही नहीं है। अगर कोई पेपर मिला तो 1994 का पेपर मिला, और वो भी हमारे यशस्वी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी ने लिख करके दिया था, भैरव सिंह जी। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ किसानों को झूठे बाजे और किसानों को लुभाने का काम किया है, कभी इन्होंने अपने दिल से कभी किसानों की तरफ सोचा नहीं, किसानों की तरफ इन्होंने विचार नहीं किया। जब मैंने उस समझौते को देखा 94 का, माननीय भैरव सिंह जी ने मांग रखी थी कि 1917 क्यूसेक पानी हमें मिलना चाहिए, हमने उसी 1917 क्यूसेक पानी पर जब हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमने हमारी बात रखी कि मैंने कहा हमारे ये 3 जिले हैं बहुत अच्छे जिले हैं, जमीन हमारे पास पर्याप्त है, अगर यहाँ पीने को पानी मिलेगा, सिंचाई को पानी मिलेगा, हम आलू से तो सोना नहीं बना सकते हैं, लेकिन राजस्थान की जमीन जरूर सोना उगलने का काम करेगी, ये हमने उनसे कहा। उन्होंने तुरंत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी से कहा, और खट्टर जी का सुबह ही फोन आया, बजलाल जी आइए समझौता करना है, कब आ रहे हो।
17 को हमारी कार्य समिति की बैठक थी, मैंने कहा मैं 16 को आ रहा हूँ, 16 को मेरी विधानसभा है, 17 को समझौता करेंगे और 17 को मिलकर के उनको समझौता किया और वो भी एमयू बनने वाला है, मैं आपसे उसकी डीपीआर बनने वाली है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों, हम अगर काम करते हैं तो दिल से करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की संवेदना सुनते हैं, जनता के काम सुनते हैं और कहते हैं हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के हर काम को तैयार है। अभी अभी मैंने उदयपुर के अंदर शिलान्यास किया है, 1700 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया है। वो पानी हमारा अरावली पर्वत की हमारी श्रृंखला है, उनका आधा पानी हमारा है बंगाल की खाड़ी में हमारा इधर आता है, उदयपुर से होकर के कपासन होकर के चित्तौड़ के अंदर आता है और चित्तौड़ से वो सीधा बीसलपुर बांध में आता है भीलवाड़ा होते हुए। आधा पानी हमारा अरब सागर में जाता है, जो गुजरात में जाकर के वो पानी हमारे कोई काम नहीं आता है। हमने योजना बनाई कि अरब सागर में जाने वाले पानी को हम वहां एनीकट बना करके और उस पहाड़ में सुरंग करके हम इधर लेकर के आएंगे, जिससे हमारे चित्तौड़ को भी पानी मिलेगा, राजसमंद को भी पानी मिलेगा, उदयपुर को भी पानी मिलेगा। अगर ज्यादा बारिश होगी तो वो पानी बीसलपुर में आएगा, तो आज राजस्थान उस पानी को पिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस मुस्तैदी के साथ, जिस हिम्मत के साथ भारतीय जनता पार्टी और लगातार केंद्र में आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने का काम किया है, आप जनता में जाइए, छाती ठोकर के जाइए, 2014 के बाद हमारी केंद्र की सरकार में कोई इतनी उंगली नहीं उठा सकता, कोई इतना भ्रष्टाचार नहीं बता सकता, यह हमारी कामयाबी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है वो आपके बीच में करके दिखाई है। जब भी तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं, आप सभी कार्यकर्ता बंधु हैं, पार्टी में काम करते हैं मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंडल अध्यक्ष के रूप में हो, शक्ति केंद्र के संयोजक के रूप में, बूथ अध्यक्ष के रूप में हो, हमारे कार्यकर्ता बड़ी उससे कहते हैं कि भाई साहब हम काम करते हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, हम काम करते हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो जैसे कहते हैं ना कि आप कैमरे की नजर में हैं, लिखा होता है ना कि आप कैमरे की नजर में हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता कैमरे की नजर में है। जो अच्छा काम करेगा निश्चित रूप से उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा, और जो पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता हैं या पार्टी के जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो उनका भी पार्टी विचार करने का काम करती है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, यह मन में विश्वास रखिए कि आप जो सामने मेरे आज बैठे हैं वो आने वाले समय में आगे मंच पर बैठने वाले हैं, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। अरे आप में से ही जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं, आप में ही प्रदेश से लेकर के, केंद्र से लेकर के, जिले से लेकर के आप में से ही पदाधिकारी बनने वाले हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है और यह भारतीय जनता पार्टी का यही है कि वो कार्यकर्ता को आगे करने का काम करती है। हमारा कार्यकर्ता ऊपर से नहीं आता है, हमारा कार्यकर्ता नीचे से निकल करके ऊपर आता है और एक एक कार्यकर्ता पर नजर होती है। आप विश्वास रखिए, एक विश्वास और मैं दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है और उस तिराहे पे, चौराहे पे, उस जो आलाप बैठती है उस पर, पान की दुकान पर, चाय की थड़ी पर हमारा कार्यकर्ता जद्दोजहद करता है। करना भी चाहिए, आपके अंदर विश्वास भी होना चाहिए, छाती ठोक करके कहिए कि हमारी या केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी सरकार ने काम किया है।
एक और विश्वास में दिलाता हूं, कार्यकर्ता भाई और बहनों, जब हम रहते हैं तो जनता की समस्याएं भी आती है, सार्वजनिक समस्याएं भी होती हैं। वो समस्या बूथ पर भी हो सकती है, वो मंडल में भी हो सकती है, वो जिले में भी हो सकती है। ऐसी समस्याएं जो सार्वजनिक रूप से वास्तविक समस्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि जनता के बीच में लड़ने का काम आप करते हैं, जनता में जाकर के अपनी बात आप रखते हैं, इसलिए आपसे यह भी कहना चाहता हूं, चाहे वो मेरे बूथ का अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र का संयोजक हो, मंडल के पदाधिकारी हो, जिले के पदाधिकारी हो, मोर्चों के पदाधिकारी हो, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हो, अगर आपको यह लगता है ये सार्वजनिक रूप से समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए, आप लेकर के आ जाना, आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा, निराश नहीं होने दूंगा। एक एक समस्या का समाधान आपके बीच में किया जाएगा, मुझे पता है, मुझे पता है कार्यकर्ता हमारी कितनी मेहनत करता है, लेकिन मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं मित्रों, एक कार्यकर्ता होने के नाते कि आपको निराशा भी नहीं लगेगी, आप जो सार्वजनिक रूप से जो काम बताएंगे। और सुनिए, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।